बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जीत से काफी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए। सुबह ये लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे और पूरे दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। सोमवार को दिन भर अधिक से अधिक लोगों को दिल्ली लेकर जाने के लिए बैठकों का दौर चलता रहा। वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से जिंद जिले की राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से 5 बार जीत कर विधायक बन चुके हैं। वो 1977 से 82, 1982 से 84, 1991 से 96 और 96 से 2000 तक और 2005 से 9 तक विधायक रहे। 3 बार वो कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने 3 बार सांसद के रूप में भी कार्य किया। पिछली केंद्र सरकार में वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे ब्रजेश सिंह 2019 में हिसार लोकसभा से सांसद चुने गए थे। अब वो भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस में आ गए हैं। वीरेंद्र सिंह भी मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके कई समर्थक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अकेले जिद से ही काफी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं ने पहले ही वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी थी। वीरेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं की बात बहुत मानते हैं, इसलिए उनकी सलाह के अनुसार ही वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देते हैं। पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता हैं। पूरे हरियाणा से लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। शिव नारायण शर्मा के साथ ऋषि शर्मा, अर्जुन सैनी, फतेह सैनी, सतीश जिंदल, जयप्रकाश शर्मा, रामचंद्र शर्मा, कुलदीप पानू, राम मेहर रेणु, दालम बाला, विजय सिंह, महेंद्र सिंह, बलजीत इटल व मध्य प्रदेश उत्तरी हरियाणा की महिला प्रदेश अध्यक्ष वृंदा शर्मा भी काफ़ी महिलाओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में थे तो वो अपने साथियों को कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए काफ़ी दबाव बनाते थे। उन्होंने अपने समय में कांग्रेस का टिकट भी कई लोगों को दिलवाया था। उस समय कांग्रेस में उनकी काफ़ी मजबूत स्थिति थी। अब एक बार फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे जिंद जिले की 5ों विधानसभा सीटों के साथ पूरे हरियाणा की राजनीति पर इसका असर देखने को मिलेगा।